मॉर्निंग हिंदुस्तान। जापान में बसे भारतीयों से मिले पीएम मोदी, बताई देश की विकास गाथा। दिवाली की दी शुभकामनाएं, जापानी आवभगत की भी की सराहना। जो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा रही है, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया के हमारे पुरातन मूल्यों के प्रति हम सब समर्पित हैं। हमारी सरकार ने तो सिर्फ इतना बदलाव किया है कि दुनिया को भारत के चश्मे से ही देखा जाए और चश्मों से भारत को मत देखिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 4 दिवसीय विदेश यात्रा का अंतिम पड़ाव कुवैत। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जबेर अल सबा से भी करेंगी मुलाकात। 31 अक्टूबर को होगी भारत वापसी। आज भारत आएंगे इटली के प्रधानमंत्री ज्यूसेपे कांटे। द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर होगी बातचीत। सबरीमाला विवाद पर बीजेपी आज पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के सामने करेगी प्रदर्शन। मंदिर को बचाने के लिए 8 नवंबर से निकालेगी रथ यात्रा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी पर संत समाज नाराज। 3 और 4 नवंबर को दिल्ली में करेंगे बैठक। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार बोले, नहीं होती अब प्रतीक्षा। राम मंदिर पर आरएसएस ने केंद्र सरकार को दी सलाह। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने कहा, मंदिर निर्माण से बढ़ेगी सद्भावना, सरकार को निकालना चाहिए हल। पिछले दिनों 2 बड़े कार्यक्रम हुए, एक विज्ञापन में, फिर विजयदशमी के अवसर पर अपने प्रमुख श्रद्धांजलि कार्यक्रम जी का भाषण भी हुआ, हर वर्ष होता है। और उन्होंने कहा, आज के जजमेंट के बारे में कहना हो तो इतना ही हम कह सकते हैं, सारा समस्या संघ का एक ओपिनियन है, यानी केवल जजमेंट को लेकर मैं कहूंगा ऐसा नहीं। हाईकोर्ट का जब जजमेंट आया था तो हाईकोर्ट के जजमेंट में तीनों जजेस ने स्वीकार किया था कि उपरोक्त स्थान रामलला का जन्म स्थान और वहां मंदिर होना चाहिए, लेकिन वो बाद में भूमि का बंटवारा हुआ तो उसमें जो पक्ष सहमत नहीं थे वो भी सर्वोच्च न्यायालय में गए। उन्होंने जब सुनवाई की थी तो उस सुनवाई में जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए एक्सकेवेशन में एविडेंसेस के रूप के अंदर, उनसे भी ये सिद्ध हो गया था कि ये जन्मस्थान है और मंदिर तोड़कर ही वहां पर कोई एक ढांचा बनाने का प्रयास ये किया गया, वहां मंदिर था, ये बात उसके अंदर सिद्ध हो गई। और संघ का अपना एक बड़ा ओपिनियन है पहले से कि राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर शीघ्र बनना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस टीडीपी टीजेएस और सीपीआई कर सकती हैं गठबंधन। कांग्रेस को 90 तो साथियों को 29 सीटें मिलने के आसार। 7 दिसंबर से होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 28 नवंबर को होगी वोटिंग, 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मुजफ्फरपुर फिल्टर होम रेप केस में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। श्रीलंका में सियासी घमासान जारी। पेट्रोलियम मंत्री अर्जुन रणतुंगा गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान हुई फायरिंग में 1 की मौत, 3 घायल। चौथे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 224 रनों से रौंदा। सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त। रोहित शर्मा और अंबाती रायडू ने जड़े शानदार शतक। अपने करियर के सबसे बुरे दौर में एमएस धोनी। 7 साल के बाद औसत 50 से पहुंचे नीचे। साल 2018 में खेले 19 वनडे, 1 भी 50 नहीं। हम हैं हिंदुस्तान समाचार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।